पहले एपिसोड में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है योशिनो। उसका फ्रेंड होता है माहिरो और माहिरो की एक छोटी बहन होती है, उसका नाम होता है आयका। हमें पता चलता है कि आयका योशिनो से ठीक से बात नहीं करती। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कि एक डिब्बे में बंद करके एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया गया है और वो इन सब चीज़ों के लिए सैमन नाम के एक आदमी को ब्लेम करती है और वो लड़की कहती है कि वो इस हाल में मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकती। एक्चुअल में वो लड़की एक प्रिंसेस होती है और उसका नाम होता है कुसारबे हकाजे, पर हम उसे बुलाएंगे सिर्फ हकाजे क्योंकि बहुत ही लंबा नाम है यार, तुम्हें भी समझ में आता है ठीक है। और वो उनकी क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन होती है। और दूसरी तरफ हम उस सैमन नाम के आदमी को देखते हैं। एक आदमी सैमन से पूछता है क्या प्रिंसेस को उस आइलैंड पर अकेले छोड़ने से क्या हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सैमन कहता है कि वहां उस आइलैंड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो ऑफरिंग की तरह यूज कर सके और बिना ऑफरिंग के वो मैजिक नहीं कर सकते। ऑफरिंग मतलब चढ़ावा ठीक है यहाँ पर, और इसलिए प्रिंसेस की कहानी इस आइलैंड पर ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी ओर प्रिंसेस को पता होता है कि सैमन ने इस आइलैंड के आसपास एक मैजिक कर दिया है जिसकी वजह से ये आइलैंड बाहर के लोगों के लिए एक तरीके से इनविजिबल है और कोई उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ नहीं सकता। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि योशिनो को जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होता है, और हमें पता चलता है कि माहिरो यानी उसका दोस्त करीब एक महीने से स्कूल नहीं आ रहा है और वो किसी को बिना बताए कहीं चला गया है। और योशिनो स्कूल से आने के बाद एक ग्रेव के पास जाकर प्रे कर रहा होता है कि उसके पीछे से एक लड़की उसे बुलाती है। वो उसे कहती है कि उसका नाम एवेंजेलिना यामामोतो है और वो 28 साल की है और एक अनएम्प्लॉयड है। वैसे इसका नाम मैं एंजेलिना रखूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है। और वो उसे माहिरो के बारे में पूछती है। वो कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है और मैंने उससे करीब एक महीने से बात नहीं किया जब से वो यहाँ से चला गया है। पर एंजेलिना सडनली उस पर गन तान देती है। ये देखकर योशिरो चौक जाता है। एंजेलिना कहती है कि गवर्नमेंट ने दो टाउन्स को क्वारंटाइन किया था पर उन दोनों टाउन में एक लड़के को देखा गया, उसने इंसान की जान बचाई और जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम माहिरो बताया और वो माहिरो के बारे में और जानना चाहती है। योशिनो उसे बताता है कि माहिरो की एक छोटी बहन है और वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसका नाम था आयका। एंजेलिना उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहता है कि ठीक तुम्हारे पीछे यानी उस कब्र में। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं आयका कैसे मरी। हमें पता चलता है कि एक बार आयका के घर में कुछ लोगों ने अटैक किया चोरी के लिए और जिसमें उन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। योशिनो इस बात पर यकीन करता है क्योंकि ऐसा पुलिस ने कहा था, पर माहिरो को इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर अब तक कुछ पता नहीं चला और इसलिए वो खुद उस मर्डर को ढूंढेगा और उसे सजा देगा। और उसी के बाद माहिरो गायब हो गया था। एंजेलिना उसे पूछती है कि मतलब तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, और योशिनो खुद को बचाने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उस पर अटैक करता है, पर एंजेलिना उस पर भारी पड़ती है। वो शायद उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी एक लाइट चमकती है और एक लड़का सडनली एंजेलिना पर अटैक करता है और वो लड़का एक्चुअल में माहिरो होता है। योशिनो उससे पूछता है कि तुम यहाँ सडनली कहाँ से आ गए। वो कहता है कि उड़ के और क्या, और वो उस लड़की के बारे में पूछता है कि कौन है वो। योशिनो कहता है कि उसका नाम एंजेलिना है और वो एक बेरोजगार है, बस इतना ही बताया उसने मुझे। तभी वो लड़की माहिरो को शूट करती है पर वो गोली उसे नहीं लगती। वो किसी तरह के मैजिक का यूज करके उस गोली को रोक लेता है। एंजेलिना कहती है कि अच्छा तो तुम उन जादूगरों के साथ मिल चुके हो। माहिरो पूछता है कि क्या तुम गवर्नमेंट के लिए काम करती हो। वो कहती है कि नहीं, वो बस एक वॉलंटियर है, और वो उसे ब्लैक आयरन डिजीज के बारे में पूछती है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। एंजेलिना के कई बार शूट करने पर भी माहिरो को कुछ नहीं होता और वो एंजेलिना पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद माहिरो योशिनो को वहां से चलने के लिए कहता है। वहां से नीचे जाते हुए योशिनो को एक आदमी नीचे गिरा दिखता है। वो उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए जाता है पर माहिरो कहता है कि कोई फायदा नहीं, वो लड़की जिस डिजीज के बारे में बोल रही थी ब्लैक आयरन डिजीज ये वही है जिसकी वजह से वो आदमी एक लोहे के स्टैचू की तरह जम गया है और ये पूरी की पूरी सिटी इससे इफेक्ट हो चुकी है। एक इसी तरह के पैंडेमिक की तरह दिखाई देता है पर असल में एक मैजिक है और इस सिटी से पहले ये और दूसरे सिटीज में भी हुआ है, पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बात बाहर आए इसीलिए उन्होंने उन जगह को क्वारंटाइन कर दिया।
और शायद कुछ देर में इस जगह को भी कर दे। योशिनो उससे पूछता है कि फिर ये डिजीज मुझे क्यों नहीं हुआ। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम मेरे साथ थे। योशिनो माहिरो को पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मुझे बताओ। वो बताता है कि एक मैजिकल फैमिली है और उनके इरादे भयानक है। वो ये सब करके उन चीजों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी नहीं जागना चाहिए, और ये डिजीज तो बस उसके आने की एक शुरुआत है, और उसे रोक पाना एक ही इंसान के हाथ में, और उसका नाम है हकाजे, जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मजीशियन है। और वो योशिनो को एक डॉल दिखाता है और वो कहता है कि वो उसकी मदद से उससे बात कर सकता है। तभी सडनली उस डॉल में से हकाजे की आवाज आने लगती है। वो कहती है कि माहिरो, हमारे बीच एक डील हुई थी, तुम्हें याद है ना, तुम मेरी मदद करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हारी सिस्टर के मर्डरर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। योशिनो उससे पूछता है कि उससे वो मिला कैसे। वो उसे बताता है कि एक बॉटल में ये डॉल समंदर किनारे पर उसको मिला और उस पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा था, उसने उसे फॉलो किया जिसके बाद से वो इससे बात कर सकता है। माहिरो कहता है कि योशिनो, तुम्हारे पेरेंट्स दूसरे सिटी में है, इसका मतलब वो सेफ होंगे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसका क्या। योशिनो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मैंने बस सुना था कहीं से कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तभी समंदर में से एक अजीब सी चीज बाहर आती है। योशिनो कहता है कि ये क्या है। माहिरो कहता है कि वही चीज है जिसे हम लोग होने से रोकना चाहते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में योशिनो उसे उस अजीब सी चीज के बारे में पूछता है। माहिरो उसे बताता है कि वो एक फ्रूट है और वो अलग अलग सिटी से निकल रहे हैं और सभी एक तरफ की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर वो सभी फ्रूट्स एक जगह पर मिल गए तो अपने असली रूप में आ जाएंगे, यानी कि सब खत्म हो जाएगा और हमें यही होने से अवॉइड करना है। माहिरो कहता है कि योशिनो, हमें एक जगह जाना है। योशिनो से पूछता है कि कहां पर। वो कहता है कि वही जहां पर से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि उसका घर जहां पर आइका की डेथ हुई थी। वो लोग वहां पर जाते हैं। हाका से कहती है कि एक स्टील की नाइफ होगी उन वेपन्स में से जो कि मैंने तुम्हें दिए थे। योशिनो के पूछने पर माहिरो कहता है कि ये टैलिस्मैन है जिसमें कि मैजिक सील्ड है। वो उसे बताता है कि वहां उस आइलैंड पर फंसने से पहले हकाजे ने कई सारे टैलिस्मैन्स को अलग अलग जगह पर छुपा कर रख दिया था, जिसके बारे में उसके क्लैन में से किसी को भी नहीं पता था, और हकाजे के कहने पर उसने उन सभी टैलिस्मैन को इकट्ठा किया है। तुम्हें इन टैलिस्मैन को इस तरह से पहनना होता है कि ये तुम्हारे बॉडी को टच करे, और उसके बाद तुम सिंपल मैजिक यूज कर सकते हो, पर तुम इन्हें कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। योशिनो पूछता है कि इससे हम उन दूसरे जादूगरों से लड़ सकते हैं। हकाजे कहती है कि हाँ, क्योंकि मैजिक से लड़ने के लिए तो मैजिक की जरूरत है। माहिरो उस नाइफ को उस जगह पर गाड़ देता है, जिसके बाद हकाजे स्पेल पढ़ती है और वो मैजिक को एक्टिवेट करती है। वो कहती है कि ये एक्सीडेंट एक साल पहले हुआ था, इसलिए उसे कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद वो योशिनो को कहता है कि ये सिटी बहुत ही जल्दी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, इसीलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के पास। और वो उसे जाने से पहले उसे टैलिस्मैन देता है और वो कहता है कि इसके पास होने से तुम्हें वो डिजीज नहीं होगी, और इसे तुम अपने डिफेंस और हाई स्पीड मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो। बस तुम्हें मैजिक को यूज करने से पहले थोड़ा सा उस चीज को इमेजिन करना होगा। और वो कहता है कि हाँ, उन बटरफ्लाई से दूर रहना, क्योंकि उनका मतलब है कि वो फ्रूट वहां से निकलने वाला है। और वो कहता है कि आइका के किलर को मारने के बाद वो वापस आ जाएगा, और तब मुझे तू अपनी गर्लफ्रेंड जरूर मिलाना। और वो वहां से चला जाता है। हकाजे माहिरो से पूछती है कि तुमने उसे एक टैलिस्मैन दे दिया, क्या तुम उस पर इतना ज्यादा यकीन करते हो। वो कहता है कि हाँ, और वो मैजिक कंप्लीट होने ही वाला होता है। और दूसरी ओर योशिनो अपना बैग पैक करके उस सिटी से जा रहा होता है कि वहां पर एंजेलिना आ जाती है और वो फोर्सफुली हकाजे के बारे में पूछने लगती है, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। कि तभी योशिनो को माहिरो के दिए हुए टैलिस्मैन्स के बारे में याद आता है और वो उसके हेल्प से खुद को एंजेलिना से बचाता है, और वो एंजेलिना की गन लेकर उसके स्कूल में छुप जाता है जो कि पास ही में होता है। पर एंजेलिना उसे ढूंढ लेती है और उसका पीछा करते हुए वो छत पर पहुंच जाती है, पर योशिनो उस पर गन तान देता है। एंजेलिना उस पर अटैक करती है और फिर से उस पर अपना लीड लेने की कोशिश करती है। उससे पहले योशिनो उसे पकड़ लेता है और वो फिर से मैजिक का यूज करता है और वो दोनों छत से गिरने लगते हैं, पर योशिनो मैजिक का यूज करके उन दोनों को बचा लेता है। और वो एंजेलिना को कहता है कि एक डील करते हैं,
और दूसरी ओर शायद माहिरों को पता चल जाता है कि आयका के मर्डर के पीछे कौन है, और वो दोनों इस बात से चौंक जाते हैं, मतलब कि हाकाजे और माहिरो, क्योंकि आयका की डेथ और हाकाजे के इस सिचुएशन के बीच में एक कॉमन कनेक्शन होता है। तभी वहां पर माहिरो के आगे एक और मजिशियन आ जाता है। हाकाजे कहती है कि वो जरूर सैमन का आदमी होगा। वो आदमी माहिरो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। माहिरो कहता है कि और तुम कौन हो, सैमन के आदमी, और वो आदमी उस पर अटैक करता है, पर माहिरो उसे डॉज करता है। वो आदमी उससे पूछता है कि उसने मैजिक कहाँ से सीखा। वो कहता है कि उसी से जिससे तुमने डिब्बे में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो आदमी उस पर अटैक करने के लिए अपना स्पीयर निकालता है, यानी कि भाला, और हाकाजे माहिरो को केयरफुल रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये जरूर कुसारी बे नात्सु मरा होगा, पर अगेन बहुत डिफिकल्ट नाम है, सो लेट्स कॉल हिम नात्सु इन शॉर्ट। वो कहती है कि जल्दी वहां से निकल जाओ, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। वो आदमी सैमन को बताता है कि उसे एक लड़का मिला है जो कि उस डिजीज से इन्फेक्ट नहीं हुआ है, और वो शायद हाकाजे का मैजिक यूज कर रहा है। सैमन उसे कहता है कि ठीक है, उसे मारना मत, उसे कैप्चर करके यहां पर ले आओ। और दूसरी ओर एंजेलिना और योशिनो के बीच में डील हो जाती है, और वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, पर तुम्हें अपने आप को इस केस से दूर रखना चाहिए, तुम्हें उस माहिरो के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहिए। योशिनो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे यही कहा करती थी, मुझे माहिरो के साथ नहीं रहना चाहिए। एंजेलिना पूछती है कि थी मतलब क्या वो अभी इस ट्रेजेडी में। वो कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली एक साल पहले की बात है। और तब हमें क्लियरली पता चलता है कि योशिनो की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आयका थी, और उसे उसके जाने का गम तो है, पर वो माहिरो की तरह उस किलर को मारने के पीछे पागल नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं है, और आखिरकार उस किलर को मारकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस भी तो नहीं ला सकता। और इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम नात्सु और माहिरो के बीच की फाइट देखते हैं। माहिरो से फाइट करते वक्त नात्सु को यकीन हो जाता है कि ये पावर प्रिंसेस की है, पर नात्सु उसे हरा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार माहिरो ने मैजिक में क्रैश कोर्स किया था और नात्सु ने डिग्री ले रखी है, तो फर्क तो दिखेगा ही। माहिरो नात्सु से बचकर थोड़ी देर के लिए छुप जाता है, पर वहां पर योशिनो आ पहुंचता है। वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। माहिरो कहता है कि उसे यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। योशिनो कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला, हाँ मुझे मारेगी नहीं, बट हाँ उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, वो भी ऐसे सिचुएशन में। वो दोनों नात्सु से बचकर भाग रहे होते हैं। हाकाजे माहिरो को कहती है कि फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी से वहां से निकलो, पर माहिरो नहीं मानता और वो उससे लड़ने के लिए चल देता है, और जाने से पहले वो डॉल वो योशिनो को दे देता है। जब तक कि वो फाइट कर रहा होता है, तब तक हाकाजे योशिनो को मैजिक के बारे में समझा रही होती है कि कुसारिबे क्लैन में, यानी कि उनके क्लैन में कि लोग मैजिक का यूज डिफेंस, हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, इसीलिए उनके मैजिक में ऐसा कोई डायरेक्ट अटैक करने वाला मैजिक नहीं है। डायरेक्ट अटैक से मेरा मतलब ड्रैगन बॉल जी का कामेहामेहा ले लो, मतलब एग्जांपल। योशिनो पूछता है कि अगर अटैक करने वाला कोई मैजिक नहीं है तो नात्सु अपने उस स्पीयर यानी कि उस भाले से इतना ज्यादा तबाही कैसे मचा रहा है। वो कहती है कि वो एक्चुअल में डिफेंस शील्ड का ही यूज कर रहा है, पर जो कि उसका भाला काफी तेज है और साथ ही साथ काफी धारदार है, इसीलिए वो एज अ वेपन की तरह काम कर रहा है। हाकाजे उसे बताती है कि एक्चुअल में ये सभी मैजिक पावर एक ट्री से मिलती है और वो लोग उसकी पूजा करते हैं, यानी कि उसके क्लैन के लोग, और उस ट्री का नाम है जिनेसिस ट्री। उस ट्री से मैजिक पाने के लिए उन्हें दो चीज चाहिए, पहले ये कि मैजिक करने वाला कुसारिबे क्लैन का ही कोई होना चाहिए, क्योंकि वो ही स्पेल पढ़ सकता है और वो ही उस ट्री से मैजिक के लिए हेल्प मांग सकता है, और दूसरा ये उसे कुछ ऑफर करना पड़ेगा, और वो लोग ट्री को सिर्फ ऐसी चीज ही ऑफर कर सकते हैं जो कि मैन मेड हो, लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स एक्सेट्रा। योशिनो को काफी अजीब लगता है, क्योंकि एक ऐसा मैजिक जिसे यूज करने के लिए ऐसी अजीब सी ऑफरिंग करनी पड़ती है। वहां दूसरी ओर माहिरो काफी बुरी तरह से हार रहा होता है और उसके सारे टैलिस्मैन्स एक एक करके बेकार हो रहे होते हैं, और वो उससे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाता है, पर तभी उसे अपनी बहन की याद आती है और वो उसे लड़ने के लिए वापस खड़ा हो जाता है। हाकाजे योशिनो को कहती है कि जल्दी से माहिरो को रोको,
क्योंकि ये जगह पूरी तरह से मैनमेड चीजों से भरी हुई है। यानी कि नात्सु के पास इस जगह पर एडवांटेज है, वो जितने चाहे उतने ज्यादा स्पेल्स का यूज कर सकता है, जबकि दूसरी ओर माहिरो सिर्फ तब तक ही मैजिक का यूज कर सकता है जब तक उसके पास टैलिस्मैन्स है। तभी योशिनो को दो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं और वो उस सिटी के बाहर निकलने वाले हर एक रास्ते को एक एक करके बंद कर रहे होते हैं, यानी कि उस सिटी को क्वारंटाइन कर रहे होते हैं। जैसा कि माही तो बता रहा था, ये बात योशिनो समझ जाता है और वो हकाजे को पूछता है कि क्या वो मैजिक से मरे लोगों को जिंदा कर सकता है। वो मना कर देती है, वो कहती है कि हमारे मैजिक नेचर के लॉजिक को फॉलो करते हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि किसी मरे को जिंदा करना नेचर के लॉजिक में है? यानी सिंपल फॉर्म में कहूं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और उसे पता चल जाता है कि माहिरो इंजर्ड है और वो इसीलिए हीलिंग मैजिक का यूज करके माहिरो की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो उसे वहां से उसके साथ भागने के लिए कहता है। जैसे ही वो टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं, वहां पर मिसाइल से अटैक होता है, पर वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं, जबकि नात्सु वहीं फंस जाता है। हकाजे को अच्छा लगता है कि चलो कोई तो दिमाग से सोचता है। नात्सु उस हादसे में बच जाता है और वो सैमन को कहता है कि वो उनको नहीं पकड़ पाया। सैमन कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो ट्रेन से दूसरी सिटी में जाते वक्त माहिरो योशिनो को बताता है कि आइका को मारने वाला कुसारिबे क्लैन में से ही कोई एक है, पर हकाजे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये किसने किया होगा। और इस बात से योशिनो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किसी ने अनजाने में किया या फिर आइका की मौत कोई प्लान मर्डर था। और एपिसोड इस सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। वो दोनों ट्रेवल करते हुए एक जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर हकाजे ने और टैलिस्मैन्स छुपाकर रखे होते हैं और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो एक कंट्री साइड का इलाका होता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी उनके आसपास बटरफ्लाई दिखने लगते हैं, जिससे कि उन्हें समझ आ जाता है कि उनके आसपास से कहीं पर फ्रूट निकलने वाला है। हकाजे कहती है कि लगता है सैमन को ये फिक्र है कि मैं कहीं वापस ना जाऊं, इसलिए वो जल्दबाजी में सारे फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा है। योशिनो वहां पर प्रेजेंट एक ओल्ड कपल को टैलिस्मैन देकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है और वो उन्हें उस डिजीज के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उस पर यकीन नहीं करते और वो चले जाते हैं, जिसके बाद वो उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर अफसोस काफी देर हो चुकी होती है और वो लोग ऑलरेडी आयरन में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो लोग एक पास ही के घर में, यानी कि योशिनो और माहिरो जाकर पहुंचते हैं, पर वहां के हाउस ऑनर्स ऑब्वियसली स्टैचू बन चुके होते हैं, इसीलिए वो लोग उस हाउस में रात को रेस्ट करने का फैसला करते हैं। माहिरो बात ले रहा होता है और दूसरी ओर योशिनो दोनों के लिए खाना पका रहा होता है और वो साथ साथ हकाजे से भी बात कर रहा होता है। हकाजे योशिनो से पूछती है कि वो एक दूसरे को कब से जानते हैं। वो कहता है कि बचपन से, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। वो कहती है कि तुम दोनों काफी अलग हो, आखिरकार तुम दोस्त कैसे बने? वो कहता है कि वो पहले जब मिले तब दोस्त नहीं थे। माहिरो एक अमीर फैमिली से था और साथ ही वो काफी पढ़ाई में अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी, और इसीलिए शायद वो दूसरों की कद्र नहीं करता था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो उसे दूर ही रहा करता था। पर एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था, तब एक लुटेरा जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था, उसके साथ माहिरो का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि वो बच तो गया पर उसे काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया और हॉस्पिटल में ना चाहते हुए भी उसे उसकी क्लास टीचर के साथ जाना पड़ा माहिरो से मिलने के लिए, जहां पर माहिरो उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसका एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है और उस बाइकर पर किसी का शक ना जाए, इसलिए उसने चोरी करके भागने का नाटक किया ताकि वो मुझे गलती से एक्सीडेंट हुआ बोल के बच जाए। योशिनो कहता है कि तो ये बात तुम्हें पुलिस और अपने डैड को बतानी चाहिए। माहिरो कहता है कि ऐसे ही मुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ सबूत इकट्ठा करे, और ना चाहते हुए भी योशिनो को उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और वो जल्दी से सबूत गैदर करके उसके पास ले आता है, क्योंकि उसे माहिरो से जल्दी छुटकारा चाहिए था। वो माहिरो को बताता है कि उसे पता चला है कि जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की, यानी कि वो बाइकर, उसके कनेक्शन है एक आदमी के साथ और वो आदमी उसके डैड के ऑफिस में काम करता है।
माहिरो कहता है कि इस आदमी को मेरे पापा ने निकाल दिया था जॉब से। योशिनो कहता है कि उसे इस आदमी पर शक है, क्योंकि इस आदमी को अच्छी तरह से पता था कि तुम किस रास्ते से स्कूल जाते हो और कब, और साथ ही साथ उसे यह भी पता था कि तुम हर वक्त अकेले रहते हो, इसलिए उसने तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम पर निकालने की सोची होगी। और इस तरह से पुलिस की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि योशिनो का शक सही था, जिसके बाद उसके टीचर ने योशिनो को मायरो के साथ रहने के लिए कहा ताकि वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हालात ने उन्हें एक दूसरे का दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद योशिनो और मायरो दोनों डिनर करते हैं और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब योशिनो सो रहा होता है और मायरो वॉक पर निकला होता है, हकाते उससे वही क्वेश्चन पूछती है कि वो लोग दोस्त कैसे बने। माहिरो कहता है कि एक वियर्ड एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक साथ रहना पड़ा, उसके बाद कुछ और हुआ और फिर कुछ और जिसके बाद वो लोग ऐसा करते हुए दोस्त बन गए। वो कहती है कि उसने मुझे बताया उसके बारे में। माहिरो कहता है कि अच्छा, पर उस एक्सीडेंट के बाद उसने एक झूठी ऐसे लिखी मेरे ऊपर जिसमें कि उसने मुझे बहुत अच्छा लड़का बताया और ये लिख दिया कि मैं दूसरों की बहुत केयर करता हूँ, और जिसके बाद मुझसे हर कोई अच्छी तरीके से बात करने लगा, जो कि मेरे लिए बहुत वियर्ड था। हकाजे कहते हैं कि तो ये करके उसने तुम पर अपना बदला निकाल लिया। वो कहता है कि हाँ। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों दोस्त नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है क्या होता। वो कहता है कि शायद आज मैं जहां पर हूं वहां पर नहीं होता, मतलब वो भी अपने लाइफ में योशिनो की इंपॉर्टेंस को समझता है। देखो वैसे मुझे पता है कि ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, पर आई थिंक ये दोनों प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, अदरवाइज फिर ये एक शैलो सी मैजिक स्टोरी लगती और फिर मजा नहीं आता। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह से आगे बढ़ चुके होते हैं और किसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हकाजे उन्हें कहती है कि क्या तुमने ठीक से उन फ्रूट्स के डायरेक्शन को देखा था, क्योंकि वो तुम्हें सैमन के पास यानी उस ट्री ऑफ एक्सोडस के पास ले आ सकते हैं। और दूसरी ओर हम सैमन को देखते हैं और उसके साथ नाचो होता है और वो लोग उसी जगह पर होते हैं जहां पर वो उस ट्री को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैमन को फिक्र होती है कि कहीं वो लोग उन्हें ढूंढ ना ले, क्योंकि अगर वो सब मिलकर भी प्रिंसेस को हराने की कोशिश करे तो भी ये कर पाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। नाचो कहता है कि फिक्र की क्या बात है, हमने इस जगह को इनविजिबल बैरियर से छुपा के रखा है, वो इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे। सैमन कहता है कि जगह को ढूंढा जा सकता है अगर वो उन फ्रूट्स की डायरेक्शन को फॉलो करे, जो कि वो लोग एक्चुअली कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर हमें ये पता चलता है कि उसने यानी सैमन ने प्रिंसेस को ना मारकर उसे एक आइलैंड पर क्यों छोड़ दिया। इसका रीजन ये है कि सैमन जल्दी जल्दी उन फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा है, तो अगर इनकेस कभी वो ट्री ऑफ एक्सोडस जो कि दूसरी ट्री का नाम है अगर वो बेकाबू हो गया तो उन्हें कुछ करके उसे रोकना होगा, और उसे रोक पाने की स्ट्रेंथ सिर्फ प्रिंसेस में है, इसलिए सैमन ने उसे एक इंश्योरेंस के तौर पर जिंदा रखा है। नासु कहता है कि प्रिंसेस ने जरूर ऐसे काम के लिए पावरफुल टैलिस्मैन को छुपा कर रखा होगा। सैमन कहता है कि मुझे पता है, इसलिए तत्सुमा जो कि एक और आदमी होता है और उनके ग्रुप का होता है, वो उन लोकेशंस पर जाकर टैलिस्मैन्स को ढूंढ रहा होता है जहां पर कि प्रिंसेस गई हुई है। दूसरी ओर माहिर और योशिनो चलते हुए एक एक्वेरियम पहुंच जाते हैं जहां पर कि हकाजे ने टैलिस्मैन छुपा कर रखा होता है। उस जगह पर जाते ही योशिनो को याद आ जाता है कि इस जगह पर वो पहले भी आया है पर आयका के साथ, और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कि आयका योशिनो को कहती है कि जो भी होता है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है, और योशिनो और माहिरो दोनों उस टैलिस्मैन को रिकवर कर ही चुके होते हैं कि वहां पर तत्सुमा आ जाता है। माहिरो उन पर अटैक करता है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, और दूसरी ओर योशिनो उस वेल के स्केलेटन को उन पर गिरा देता है और वो उनके ऊपर गिरने लगता है, जिससे कि उसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और कहीं पर छुप जाते हैं। माहिरो हकाजे को कहता है कि शायद वो तत्सुमा तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ बोल रहा था। वो कहती है कि तत्सुमा को वो चीज पसंद नहीं जो कि लॉजिकल है, ऐसा है कि हमारे क्लैन के लोग जिनेसिस ट्री को कुछ ऑफर करते हैं और उसके बदले ट्री उनकी हेल्प करता है, पर जिनेसिस ट्री जो कि मैं एक प्रिंसेस हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए तत्सुमा को ये इलॉजिकल लगता है। माहिरो कहता है कि तुम्हारी मदद करता है, मतलब
वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरा मैसेज का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये जरूर ट्री ऑफ जिनेसिस ने किया होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी योशिनो को आयका की बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयका की मौत के पीछे भी ट्री ऑफ जिनेसिस का हाथ है, ताकि माहिरो दुनिया को बचा सके। क्योंकि अगर आयका की डेथ कभी हुई ना होती तो आज माहिरो कभी सिचुएशन में पड़ता ही नहीं। जिसके बाद वो दोनों तत्सुम और उसके आदमी के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं, तो वो उन्हें पूरी तरह से भिगा देते हैं। जिसके बाद माहिरो कहता है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हें मिलेगा झटका, वो भी 400 नहीं 800 वोल्ट का। जिसके बाद उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है और वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। और रास्ते में जाते हुए हकाजे उन्हें बताती है कि उस लोकेशन की तरफ बढ़ने से पहले उन्हें एक स्पेशल टैलिस्मैन को लेने जाना होगा, और वो उन्हें उसे लेने के लिए एक लड़के के पास भेजती है और वो कहती है कि वही एक बंदा है जिस पर वो ट्रस्ट करती है। उसका नाम होता है जुनचिरो और वो उनके क्लैन का ही होता है, पर उसने कई साल पहले उस क्लैन को छोड़ दिया था और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और ये दोनों उसे मिलने के लिए जा पहुंचते हैं और उससे वो टैलिस्मैन मांगते हैं। वो कहता है कि उसके लिए पासवर्ड बताओ और उनका पासवर्ड होता है I know, it's far more than weird. जिसके बाद वो उन्हें वो टैलिस्मैन दे देता है और वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है हकाजे मर चुकी है। और ये सुनने के बाद वो सभी यानी के तीनों हकाजे माहिरो और योशिनो चौंक जाते हैं। माहिरो पूछता है कि क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि किसने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। वो कहता है कि नहीं, मैं सुने हुए बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं इस पर यकीन करता हूँ क्योंकि मैंने खुद उसकी बॉडी को वेरीफाई किया है। और ये एपिसोड यहीं पर इस सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जुनचिरो उन्हें बता रहा होता है कि जब सैमन के बुलाने पर वो क्लैन वापस गया तो उसे सैमन ने प्रिंस का स्केलेटन दिखाया जो कि उसे बॉक्स के पास मिला था। और सैमन ने जुनचिरो को सारी बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने हकाजे को उस आइलैंड पर छोड़ दिया और उन्हें वहां पर उसकी लाश मिली है। और जुनचिरो ये गारंटी के साथ इसलिए कह सकता है कि वो हकाजे की लाश है क्योंकि उसने यकीन है कि वो स्कल हकाजे का है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं यानी कि माहिरो और योशिनो, और सिटी में एक फ्रूट निकलता है इसलिए वो दोनों रात को एक जंगल में रुकते हैं। माहिरो योशिनो को कहता है कि तुम्हें पता है क्या, मैंने सुना है कि आयका का एक बॉयफ्रेंड था। योशिनो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। और तभी उन पर अटैक होता है और कुछ सोल्जर्स योशिनो को वहां से लेकर चले जाते हैं और वो माहिरो को बेहोश करके वहीं छोड़ जाते हैं। एक्चुअली वो एंजेलिना होती है और ये योशिनो का प्लान होता है, और एंजेलिना उसे लेकर एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम होता है ताकुमी, और वो मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है जो कि मैजिक से रिलेटेड अफेयर्स को संभालती है। और योशिनो उसे वो सब इंफॉर्मेशन देता है जो कि उसे पता है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके, और वो उनसे कुछ फ्लैश ग्रेनेड्स और एक गन ले लेता है। और वहां पर माहिरो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसे ये सच पता ना चल जाए कि वो मिलिट्री वालों की हेल्प कर रहा है, इसीलिए योशिनो गाड़ी से कूद जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कि हमें बताया जाता है कि माहिरो और आयका जो कि एक दूसरे के रियल बहन और भाई नहीं है, आयका माहिरो की स्टेप सिस्टर होती है। और एक्चुअल में जब वो आयका से मिला होता है वो उसे लाइक करने लगता है, पर वो अपने फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। योशिनो को भी पता होता है कि अगर ये दोनों किसी और कंडीशन में मिले होते एक दूसरे से तो शायद आज हालात कुछ और होते, शायद एक दूसरे को ये लाइक करते मे बी। और हम देखते हैं कि योशिनो और आयका माहिरो से बच बच कर मिलते हैं, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगने देते, पर बेचारे दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं और वो कभी हो ही नहीं पाता। आयका योशिनो को कहती है कि तुम कभी भी एक मैन की तरह लीड नहीं करते, और जब उन्हें मौका मिलता है फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि अब बंदी का मूड नहीं है, मतलब प्लान कैंसिल और क्या। बेचारा योशिनो मतलब रात को माहिरो किस करने नहीं देता, दिन में बंदी का मूड नहीं होता, मतलब भाई करे तो करे क्या।
जिसके बाद हम करंट सिचुएशन पर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्मी अपने पूरे फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी है और वो लोग वहां पर ट्री ऑफ एक्सोडस को देखते हैं जो कि काफी बड़ा होता है और वो लोग उनके बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। और यहाँ दूसरी ओर ये दोनों बैरियर में टैलिस्मैन्स की हेल्प से पहुंच जाते हैं और जिसका पता सैमन को चल जाता है और वो उन दोनों के सामने आकर उन्हें रोकता है और वो उन्हें बताता है कि एक्चुअल में तुम्हें गलत फहमी हुई है, वर्ल्ड को ट्री ऑफ एक्सोडस के जगाने से खतरा नहीं बल्कि ट्री ऑफ जेनेसिस के जागने से है और वो जो कि आयरन डिजीज है वो एक्चुअली जेनेसिस ट्री का ही काम है हमें इन फ्रूट्स को कलेक्ट करने से रोकने के लिए। वो बताता है कि जेनेसिस ट्री वर्ल्ड के लॉजिक को फॉलो करता है पर इस लॉजिक में बहुत सी गलतियां हैं, इसीलिए अगर ट्री ऑफ जेनेसिस पूरी तरह से जाग गया तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा ताकि वो वापस से इसे स्टार्ट कर सके, यानी कि एक नई दुनिया बनाने के लिए। इसलिए जेनेसिस ट्री का मैजिक यूज करने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ता है जो कि मैनमेड हो और आगे चलकर वो पूरे सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं पर माहिरो कहता है कि हो सकता है कि तुम ठीक बोल रहे हो पर मुझे उसे कोई मतलब नहीं और वैसे भी हकाजे ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उस मर्डरर को ढूंढने में हेल्प करेगी, इसलिए वो सैमन को हकाजे को वापस लाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसेस मर चुकी है सच में। वो सब इस बात से इनकार करते हैं पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है और जिस डॉल की हेल्प से वो बात कर रही होती है एक्चुअली वो एक मैजिकल डॉल है, इसीलिए वो पास्ट में मौजूद हकाजे को प्रेजेंट में मौजूद इन दोनों से कनेक्ट कर पाया क्योंकि एक्चुअल में उनके टाइमलाइन में 2 साल का फर्क होता है, मतलब प्रेजेंट के योशिनो और माहिरो 2 साल पास्ट के हकाजे से बात कर रहे होते हैं एक्चुअल में, समझे समझे, मतलब पास्ट के हकाजे फ्यूचर के योशिनो और माहिरो से बात कर रही है एक्चुअल में एंड इस प्रेजेंट में वो मर चुकी है। माहिरो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम उस मर्डरर को ढूंढोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्लान को बर्बाद कर दूंगा और हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है या कुछ और इसीलिए सैमन और उसमें एक डील हो जाती है और सैमन तत्सुमा को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद योशिनो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वहां हकाजे को अकेला ऐसा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। माहिरो कहता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, वो मर चुकी है और हमारे पास बस ये हड्डियों का ढेर है, अगर वो यहाँ पर किसी तरह से आ सके इससे पहले कि सैमन मुझे उस मर्डर के बारे में बताए तो शायद मैं उसकी तरफ हो जाऊं। योशिनो कहता है कि क्या उनके क्लैन में ऐसा कोई मैजिक है जिससे कि वो खुद को इस टाइमलाइन में ला सके और हकाजे कहते हैं कि हाँ ऐसा मैजिक है और वो उस आइलैंड पर किसी तरह के ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगती है जिससे कि वो उस स्पेल को यूज करके इस टाइम में वापस आ सके और उसी दौरान वो सैमन को कहती है कि जब उसने आयका के मर्डर को पता लगाने की कोशिश की तब उसे किसी तरह का भी ट्रेस नहीं मिला और ये तभी हो सकता है जब ट्री ऑफ जेनेसिस ने उसे माफ कर दिया हो। पर टेत्सुमा सैमन को बताता है कि ऐसा कोई भी नहीं है उनके क्लैन में जिसने कि उसे मारा हो या फिर जिसने कि ये काम किया है। फिर ये बात किसी की भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, किसी का मर्डर करना यानी कि नेचर के लॉजिक को अपोज करना, और अगर ऐसा होता है देन ट्री ऑफ जेनेसिस को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में उसे नहीं पता। तभी हकाजे एक और कंक्लूजन पर पहुंचती है और वो कहती है कि शायद ये काम उसने किया होगा जिसके लिए ये काम इलॉजिकल नहीं है, यानी ऐसा कोई जो कि ट्री ऑफ एक्सोडस का लॉजिक फॉलो करता है, मतलब एक तरीके से ट्री ऑफ एक्सोडस और ट्री ऑफ जेनेसिस का लॉजिक एक दूसरे का उल्टा है, मतलब अगर तुम किसी को मारते हो देन इट इज इलॉजिकल फॉर ट्री ऑफ जेनेसिस बट इट्स कम्प्लीटली लॉजिकल फॉर ट्री ऑफ एक्सोडस। ओके, वो कहती है कि जिस तरह से वो ट्री ऑफ जेनेसिस की प्रिंसेस है हो सकता है कि उसी तरह से ट्री ऑफ एक्सोडस का भी कोई मजिशियन हो जिसने ये काम किया हो, जिसके बाद कि वहाँ दूसरी ओर वहाँ हकाजे को एक ऑफरिंग मिल जाती है और वो उसका यूज करके वहाँ प्रेजेंट में वापस आ जाती है और वो सैमन को कहती है कि मुझे पहले एक्सोडस ट्री को रिवाइवल होने से रोकना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारा रीजन सुनूंगी, और दूसरी ओर वो माहिरों को कहती है कि वो उसके सिस्टर के मर्डर को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी।
और अगर इसके पीछे ट्री ऑफ जेनेसिस का हाथ हुआ तो वो उसे मार सकता है, और माहिरो मान जाता है। और सडनली वहां पर ट्री ऑफ जेनेसिस एक्सोडस ट्री पर अटैक करने लगता है, और वो इसीलिए ट्री ऑफ एक्सोडस भी उनके कंट्रोल से निकल जाता है, यानी कि कुसारिबे क्लैन के कंट्रोल से, और वो ट्री ऑफ जेनेसिस पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्री ऑफ जेनेसिस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से निकल रहा है। इसका मतलब ट्री ऑफ जेनेसिस पूरी तरह से रिवाइव होने वाला है, और वो वहां पर अटैक भी करता है, और उस अटैक में योशिनो और माहिरो दोनों लगभग मर ही जाते हैं। पर वो दोनों यानी कि सैमन और हकाजे उन्हें बचाते हैं, और इसके बाद कि हकाजे ट्री ऑफ एक्सोडस को रोकती है और वो ट्री ऑफ जेनेसिस को पूरी तरह से रिवाइव होने से पहले ही रोक देती है, मतलब दोनों ट्री को रोक देती है सीधी सी बात। और जिसके बाद हम देखते हैं कि माहिरो की नींद खुलती है और वहां पर सैमन आ जाता है, और वो माहिरो को कहता है कि तुम उस हादसे के बाद करीब 1 महीने तक बेहोश रहे, और उस दौरान ट्री ऑफ जेनेसिस ने पूरे वर्ल्ड में अपने रूट्स बिछाने लगा। माहिरो पूछता है कि योशिनो कैसा है। वो कहता है कि वो ठीक है और वो दूसरे कामों में लगा हुआ है। सैमन उससे एक बात कहता है कि माहिरो हम चाहते हैं कि तुम योशिनो को मार दो, पर क्यों इसका रीजन हमें अभी नहीं बताया गया। और सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सैमन माहिरो को योशिनो को मारने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि योशिनो ही मेज ऑफ एक्सोडस है, और उन्हें लगता है कि शायद हकाजे को योशिनो पसंद आने लगा है, और उसी के कहने पर शायद वो ट्री ऑफ जेनेसिस को रिवाइव भी कर दे, इसीलिए वो लोग ऐसा करने के लिए सोच रहे होते हैं। और साथ ही उन लोगों ने मेज ऑफ एक्सोडस के बारे में रूमर्स फैला दिए होते हैं ताकि वो अगर लोगों के बीच हो तो कुछ एक्शन ले और उन्हें पता चल जाए। और दूसरी ओर योशिनो और हकाजे जर्नी पर होते हैं, और उस दौरान उन्हें एक लड़का मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो मेज ऑफ एक्सोडस है, और उसे ये बात कुछ महीने पहले ही पता चली। करीब करीब वही डेट होती है जिसके आसपास ट्री ऑफ एक्सोडस वाला इंसिडेंट हुआ था, और वो लोग ये बात बाकी सबको बताते हैं, और योशिनो और हकाजे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, और वो उस लड़के को जिसका नाम होता है हानेमुरा, वो एंजेलिना के साथ जाता है, और वो लोग वेरीफाई करते हैं कि वो सच में मेज ऑफ एक्सोडस है या नहीं है। पर वो सच में होता है और वो ये बात को प्रूफ भी करके दिखाता है, जिसके बाद कि वो उसे उनके ठिकाने पर लेकर जाते हैं, और वहां पर माहिरो से कुछ सवाल पूछता है क्योंकि उन्हें जो कि पहले से ही शक था कि मेज ऑफ एक्सोडस नहीं आयका को मारा है, तो वो इस चीज को कन्फर्म कर रहा होता है। और बाद में माहिरो को पता चलता है कि हानेमुरा कभी भी आयका को नहीं मार सकता क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो आयका को फाइट में हरा दे। और दूसरी बात ये कि हानेमुरा को ब्लड से डर लगता है, तो फिर वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जिसके बाद कि वो लोग हानेमुरा को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आने वाले मिशन के लिए रेडी हो सके। और साथ ही साथ दूसरी ओर हम लोग जुनचिरो को देखते हैं जो कि हकाजे और योशिनो से जाकर मिलता है, और वो हकाजे से कहता है कि क्या उसे योशिनो से प्यार हो गया है। पहले तो मना करती है पर फिर वो मान जाती है कि हाँ उसके अंदर योशिनो को लेकर फीलिंग्स हैं। जिसके बाद की जुनचिरो उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है क्योंकि जो कि योशिनो की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, अगर वो यानी कि हकाजे उसे पसंद करने लगी है तो वो ट्री ऑफ जेनेसिस शायद उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश करेगा हकाजे के बिहाफ पर। और ये सुनने के बाद हकाजे कहती है कि ठीक है, वो खुद पर कंट्रोल रखेगी और वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी, और असल में ये तो होने जा रहा। जिसके बाद की दूसरी ओर बाकी सब लोग हानेमुरा को ट्रेन करने के बाद उसे एक कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और उसे कहते हैं कि अब जो र्यूमर्स वो लोग फैला रहे थे उसे अब सच करने का वक्त आ गया है, और वो लोग उनके सिटी में एक जेनेसिस ट्री के रूट को खत्म कर देते हैं, और बाकी सब लोग मैच ऑफ एक्सोडस पर यकीन करने लगते हैं। और दूसरी ओर उन्हें ट्री ऑफ जेनेसिस को फैलने से रोकना था, तो फिलहाल के लिए उनके पास यही एक आइडिया था उसे रोकने का। जिसके बाद के वो लोग सोचते हैं कि शायद मेज ऑफ एक्सोडस की बॉडी और उसका हार्ट दो अलग अलग जगह पर है। इसका मतलब कि हो सकता है योशिनो ही मेज ऑफ एक्सोडस है क्योंकि उसकी सोच और उसका एक्शन मेज ऑफ एक्सोडस से मिलते हैं, पर हानेमुरा के पास पावर है तो शायद मेज ऑफ एक्सोडस की फुल स्ट्रेंथ दो बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है। और एक्चुअल में ये सच नहीं होता, ये उनकी हाइपोथेसिस होती है, मतलब ये उनकी इमेजिनेशन होती है।
जिसके बाद कि वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग योशिनो के गर्लफ्रेंड का पता लगा ले तो शायद वो उसका यूज करके योशिनो से सच बुलवा सकते हैं, और वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है इसके बारे में सोचने लगते हैं। और वो लोग फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि योशिनो की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आयका ही है, और माहिरो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है। और दूसरी ओर हकाजे योशिनो से अपना लव कन्फेस करती है और उसकी परेशानी के बारे में भी बताती है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिनेसिस ट्री से उसकी गर्लफ्रेंड को कोई खतरा नहीं है क्योंकि एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही मर चुकी है। और तब वो उसे बताता है कि एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड आयका ही है, मतलब थी, और वो उसके डेथ पर काफी रोने लगता है और वो अपने सारे इमोशंस को ड्रेन करता है जो कि उसने अभी तक अपने अंदर छुपाया था। और उसके बाद की वो यानी कि हकाजे और योशिनो अपने जर्नी को एंड करते हैं, और हकाजे हानेमुरा की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करती है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके क्योंकि उन्हें ट्री ऑफ जेनेसिस को खत्म जो करना होता है। जिसके बाद की माहिरो योशिनो से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसे उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है, पर वो कहता है कि पहले मुझे फिक्र थी कि आयका का बॉयफ्रेंड कौन है, पर ये जानने के बाद कि तुम उसके बॉयफ्रेंड थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कि वो सब लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं और जिसमें कि हकाजे कहती है कि वो इस बात का पता लगाने के लिए कि आयका को किसने मारा है वो पास्ट में जाएगी और इस बात का पता लगा कर रही है, और माहिर और बाकी सब इस बात में हामी भरते हैं। जिसके बाद कि हकाजे अपने उस मैजिक से उसी टाइम में वापस जाती है उस आइलैंड पर जहां पर कि वो फंसी हुई थी, और उसे उनके टाउन में पहुंचने में करीब एक महीना लगता है, और उस दौरान हानेमुरा की स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुकी होती हैं क्योंकि वो लोग बचे हुए फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो लोग ट्री ऑफ एक्सोडस को फुली रिवाइव कर सकें, और दूसरी ओर वो लोग उन ट्री ऑफ जेनेसिस को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग ट्री ऑफ जेनेसिस के सपोर्ट में होते हैं क्योंकि ट्री ऑफ जेनेसिस की वजह से क्राइम रेट काफी हद तक कम हो गया होता है क्योंकि ट्री ऑफ जेनेसिस सारे के सारे वेपन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए वॉर या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही ट्री ऑफ जेनेसिस उन्हें अवॉइड कर देता है। एंजेलिना कहती है कि हो सकता है कि ये एक प्लस पॉइंट है, पर वो लोग आने वाले खतरे को देख नहीं पा रहे। दूसरी ओर जब हकाजे योशिनो के टाउन में पहुंचती है उसे पता चलता है कि करीब 4 घंटे के अंदर आयका की डेथ होने वाली है, और तभी उसे वहां पर आयका दिखाई देती है, पर हकाजे उसे देखकर पैनिक हो जाती है और एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है अपने मैजिक का यूज करके, पर वो चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि आयका भी वहां पर है और उसके पीछे खड़ी है, और वो कहती है कि शायद तुम उस क्लैन से हो जो कि ट्री ऑफ जेनेसिस को प्रोटेक्ट करते हैं। हकाजे उसे कहती है कि आखिरकार उसे ट्री ऑफ जेनेसिस के बारे में कैसे पता और वो इतनी जल्दी बिल्डिंग के ऊपर कैसे आई। आयका उसे अपना इंट्रो देती है और वो कहती है कि वो भी एक मजिशियन है, पर ट्री ऑफ जेनेसिस की नहीं बल्कि ट्री ऑफ एक्सोडस की, यानी कि मेज ऑफ एक्सोडस कोई और नहीं बल्कि खुद आयका ही है। जिसके बाद कि वो उसे पूछती है कि हकाजे को माहिरो योशिनो और उसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर कि हकाजे उसे सारी बातें बताती है, और वो उसे ये भी बात बताती है कि कुछ ही देर में उसका मर्डर होने वाला है। आयका थोड़ा सा डल बिहेव करती है पर वो इतने ज्यादा शॉक रिस्पॉन्स नहीं देती है, और वो कहती है कि ट्री ऑफ जेनेसिस को तो तुम्हें खत्म करना ही होगा वरना वो कुछ सालों में पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। और कुछ देर और सोचने पर वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आयका को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आयका ही है क्योंकि उसके पास ट्री ऑफ एक्सोडस की पावर है और उसके होते हुए उसे कोई भी मार नहीं सकता, और सारे के सारे क्लूज इसी तरफ इशारे कर रहे होते हैं। आयका कहती है कि ठीक है और वो खुद को मारने के लिए मान जाती है, पर हकाजे उसे ऐसा करने के लिए नहीं देती है, और तभी हकाजे और आयका के बीच में फाइट हो जाती है और आयका हकाजे को फाइट में बेहोश कर देती है और वो वहां से चली जाती है। और जब तक हकाजे को होश आता है और वो उस मैंशन तक पहुंचती है उसे पता चलता है कि आयका तब तक मर चुकी है, और वो योशिनो और माहिरो के लिए एक मैसेज छोड़कर जाती है और वो कहती है कि उन्हें तब दिखाना जब सब कुछ खत्म हो जाए। जिसके बाद कि वो वापस प्रेजेंट में जाती है और उसे पता चलता है कि सी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा ट्री दिखाई दिया है और इस चीज के बारे में आयका ने पहले अपने लेटर में लिखा होता है, वो एक्चुअल में ट्री ऑफ जेनेसिस का कोर होता है, मतलब अगर वो लोग उसे खत्म कर देते हैं देन ट्री ऑफ जेनेसिस पूरी तरीके से
खत्म हो जाएगा, और जिसके बाद की हाकाजी उन सभी को बताती है पास्ट में क्या हुआ और आयका की डेथ कैसे हुई, और वो ये भी बताती है कि ट्री ऑफ जेनेसिस को कैसे खत्म करना है। जिसके बाद की वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग आखिरकार उस ट्री तक कैसे पहुंचे और उसे कैसे डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बचाने का फैसला लिया है, क्योंकि लोगों की यही डिमांड है। और माहिर उन्हें अपने प्लान बताता है और वो कहता है कि इस प्लान के लिए वो और योशिनो दोनों उनके साथ वहां पर आएंगे। हकाजे इस बात से नाराज होती है कि योशिनो वहां पर जा रहा है उनके मिशन में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सी मिलिट्री फोर्स होगी। पर योशिनो उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं और माहिरो दोनों मैजिक नहीं जानते और हम लोग मामूली इंसान हैं, पर पिछली बार आयका ने हमें इस इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बताना जरूरी भी नहीं समझा। हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे, मैं मानता हूं, पर एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो कर सकते थे, और इसीलिए इस बार हम लोग तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाने देंगे और इसीलिए हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। और जिसके बाद कि अगले दिन वो लोग अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके प्लान के मुताबिक उनका एक बोट जिसे वो लोग इनविजिबल करके उनके अटैक रेंज के पास पहुंचते हैं, और जिसके बाद की हकाजी मेज ऑफ एक्सोडस बनकर उन शिप्स पर हमला करने के लिए ट्राई करती है, और तभी वहां पर हानिमूर आ जाता है और वो डांसिंग प्रिंसेस बना होता है और वो हकाजे के अटैक्स को रोकता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ट्री के ज्यादा पास जाने से कुसारिबे क्लान का मैजिक काम नहीं करेगा, इसलिए वो उन सभी शिप्स पर अटैक कर रही होती है ताकि वो लोग उसका पीछा करें और हानिमूरा का रास्ता क्लियर हो जाए और वो आसानी से ट्री के पास पहुंच सके, और वैसा ही होता है। और दूसरी ओर माहितो, योशिनो और बाकी सब दूसरे बोट्स पर प्रेजेंट लोगों को उस एरिया से निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद की हानिमूरा अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ट्री ऑफ जेनेसिस को खत्म करने की कोशिश करता है, पर ट्री ऑफ जेनेसिस उस पर अटैक करने लगता है और दूसरे बोट्स पर भी, और वो लोग कुसारिबे मैजिक से उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हानिमूरा ज्यादा देर तक ट्री ऑफ जेनेसिस के आगे टिक नहीं पाता, तभी दूसरी ओर ट्री ऑफ एक्सोडस फुली रिवाइव हो जाता है और वो खुद को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है और वो सीधे हानिमूरा के पास आ पहुंचता है, और वो यानी कि हानिमूरा उस स्वॉर्ड की हेल्प से जेनेसिस ट्री के उस कोर को खत्म कर देता है, और उसी के साथ साथ पूरे दुनिया भर से जेनेसिस ट्री का वजूद भी खत्म हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि वर्ल्ड धीरे धीरे वैसे स्टेट में वापस आने लगा जैसे कि पहले था। दूसरी ओर कुसारिबे क्लान के लोग ताकुमे के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि अब वो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ट्रीज यानी कि ट्री ऑफ एक्सोडस और ट्री ऑफ जेनेसिस अब गायब हो चुके हैं, और खास इसीलिए हकाजे भी कुसारिबे क्लान को छोड़कर सिटी में जाने लगती है, क्योंकि वहां पर अब उसकी जरूरत नहीं है, और वो सिटी में योशिनो के साथ रहने चली जाती है। और दूसरी ओर माहिरो भी अब सब चीजों से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। सो दिस इज अ हैप्पी एंडिंग, और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मतलब अभी रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो प्रोबेबली मेहनत लगी है मेरी। सो थोड़ा सपोर्ट दिखा और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे एनिमेस हैं जो कि आने वाले चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And again, thanks for watching.